गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, द नेम ऑफ चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ठीक है, देखते हैं। बात करते तो मैं ग्रेविटेशन की, तो भैया इसका ग्रेविटेशन का हमारी रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर हम लोग सन से लगाकर सारे प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हर प्लैनेट या जितना भी यूनिवर्स है वो हमारा ग्रेविटेशन से ही लिंक है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक, ग्रेविटेशन की शुरुआत के बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप कहां से हुआ। ठीक, तो कई सारे फिलोसोफर थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, कई सारे फिलोसोफर, जैसे मैं कुछ फिलोसोफर्स की बात करूंगा, तो पहले जैसे है टाइको करके एक फिलोसोफर थे, जो कि 24/7 बैठकर सन और मून को देखते रहते थे। ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड स्टडी करते थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ उनका जब डेथ हुआ, ठीक है, टाइको का, तो उनका जो रूम था फुल ऑफ पेपर से भरा हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर सारी चीजों से लेकर रिलेटेड रिसर्च पेपर ही मिले। ठीक है, टाइको के अलावा भी बहुत आए, जैसे टॉलिनी, ठीक है, टॉलिनी 16 करके थे, जिप टिकिंग, ठीक है, उनको भी ग्रेविटेशन में बड़ा इंटरेस्ट था। उन्होंने भी कई सारी ग्रेविटेशन की जो हिस्ट्री हमारी ग्रेविटेशन की डिपेंड करती है वो भी उनकी रिसर्च पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आए एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने डिस्कवरी करा। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल द टीचर ऑफ ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है, एरिस्टोटल ने वहां पर हमें जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोसेंट्रिक थ्योरी? ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि आपका जो सन है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, सन कहां पर रहेगा आपका? सॉरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया एरिस्टोटल ने, उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अर्थ जो है वो सेंटर में रहेगा और सारे प्लैनेट किसको चक्कर लगाएंगे? अर्थ को चक्कर लगाएंगे। देखो पढ़ लेते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये पहले एरिस्टोटल ने दिया। इनका कहना क्या था? अर्थ जो है वो सेंटर में रहेगा और सारे प्लैनेट किसको चक्कर लगाएंगे? अर्थ को चक्कर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ वक्त बाद में गैलीलियो आए। ठीक है, उनका रिसर्च ये था, उन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था हीलियो सेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हीलियो सेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? गैलीलियो दिया। उनका बोलना क्या था? बीच में कौन होता है? सन होता है और सारे प्लैनेट किसको चक्कर लगाते हैं? सन को चक्कर लगाते हैं, जो कि आज तक हम मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे थे, जैसे मैंने आपको बताया टॉलेमी से लगाकर, टाइको से लगाकर, कई सारे फिलोसोफर ऐसे थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत बहुत डिटेल स्टडी करा। 24/7 बैठकर मून और सन को देखना और उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट वर्क किया है उन्होंने। ठीक है, ग्रेविटेशन का नाम आता है तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले न्यूटन ही कूदता है। ठीक है, कि न्यूटन से रिलेटेड भाई वो एप्पल गिरा, उसके सिर पर लगा और ग्रेविटेशन आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके पहले अगर आप सर्च करेंगे ग्रेविटेशन का हिस्ट्री, तो आपको और भी कई सारे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर दिखेंगे जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर वर्कआउट किया था। कुछ लगभग 2000 साल तक के वर्कआउट हुआ है, तब जाकर आज हम लोग जो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो इतने सारे साइंटिस्ट थे, मैंने जैसे आपको बताया टॉलेमी हो गया, टाइको हो गया, उसके बाद में ये कुछ अच्छे फिलोसोफर जैसे कि एरिस्टोटल, इन्होंने थ्योरी दे दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी जब आया था तो इसे ही सच माना गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता था कि सच में अर्थ जो है वो रेस्ट कंडीशन में है और सेंटर में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैठकर अर्थ को देखोगे तो अर्थ आपको रेस्ट में नजर आएगा, नहीं पता आपको मुंह से, क्योंकि आप भी अर्थ की स्पीड से मुंह कर रहे हो। ठीक है, रोटेट हो रहे हो, सर्कुलर मोशन ले रहे हो। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि अर्थ मोशन करती है। ठीक है, तो ये
सही माना है और एरिस्टोटल ने भी नाम पढ़ा था, ठीक है। तो इस थ्योरी को बहुत वक्त के सही माना गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी को। उसके बाद आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि सन सेंटर में होता है, सारे प्लैनेट सन का होता है। जब स्टार्टिंग में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी एलियन दी थी तो उनकी बात को कोई मानता नहीं था, उनको पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा, ठीक है, कि भैया ऐसे कैसे सन बीच में होता है, ठीक है, आप यही थ्योरी को फॉलो करो। मतलब ये भी हेलियो को भी कहा गया कि आप जियोसेंट्रिक थ्योरी को ही फॉलो करो, ठीक है, आप नई थ्योरी को मत दो। तो उन्होंने भी उस थ्योरी को फॉलो करना शुरू किया, मतलब इसको जियोसेंट्रिक को फॉलो, लेकिन एट द टाइम ऑफ दिस डेट, ठीक है, मतलब गैलियो के डेट के वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सही है, सन सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट सन को अराउंड करते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से मानना थोड़ा सा मुश्किल था, लोगों के हिसाब से मानना मुश्किल था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को, क्योंकि लोग दिन भर सन को इधर से उधर मूव होते रहते हैं। अगर हम बैठ कर देखेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा ना कि सन मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं, ठीक है, अर्थ मूव करे इस कारण से हमें सन मोशन में नजर आता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को मानने में थोड़ी मुश्किल, लेकिन आज हम लोग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के ऊपर ही चलते हैं, मतलब सन को हम लोग यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं और सारे प्लैनेट उसके अराउंड मूव होते हैं, हम लोग यही मानते हैं। तो ऐसी कई सारी डिस्कवरी हुई, ठीक है, आप अगर ग्रेविटेशन का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी फॉल्स रीजन भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम अभी हमारे टॉपिक पर आधारित है डायरेक्टली, हमारे सिलेबस में जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, आपने 8th 9th 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है, तो ओवरऑल हमारे टॉपिक में आते हैं, हमारे जहां से हमारा ग्रेविटेशन स्टार्ट होता है वहां पर हम लोग आते हैं, हमारे सिलेबस में हम लोग आते हैं। तो हमारा जो ग्रेविटेशन है वो स्टार्ट होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है, पढ़ते हैं क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके पहले हमने कुछ थ्योरीज के बारे में बात करी, मतलब कुछ फिलोसोफर्स के बारे में बात करी, हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पर अटैक करते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल है, अगर आप ग्रेविटेशन को पढ़ना चाहोगे तो उसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ऐसे ही हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूटन जो है उनको पूरा क्रेडिट मिला, क्योंकि मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो न्यूटन ने बनाया, ठीक है। इसके पहले जितने सारे मेहनती लोग गए उन्होंने काफी मेहनत करी, ठीक है, और कई सारे ग्रेविटेशन के बारे में बातें करी, लेकिन क्लाइमेक्स वाले पॉइंट पर न्यूटन गए। अब जो क्लाइमेक्स पर हो वही हीरो होता है, ठीक है, इसलिए न्यूटन को ग्रेविटेशन से रिलेट किया जाता है हमेशा, तो जब भी ग्रेविटेशन वर्ड दिमाग में आता है तो न्यूटन के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि यार न्यूटन के एप्पल के पेड़ के नीचे जाके बैठे थे, ठीक है, उनके सिर पर आकर एप्पल गिरा और फिर उन्हें याद आया ग्रेविटेशन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एप्पल के पेड़ के नीचे जरूर बैठे थे लेकिन एप्पल गिरा और उसको देखकर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, उनका रिसर्च काफी पहले से था, ठीक है। न्यूटन जैसे हम लोग सब जानते हैं कि वो एक काफी ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है, वो कई सालों से इसके पहले ही स्टडी कर रहे थे, मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मैंने आपको कई सारे साइंटिस्ट कई सारे फिलोसोफर्स की बात बताई तो वो उनकी स्टडीज उनकी थ्योरीज को ऑलरेडी न्यूटन पढ़ चुके थे, ठीक है, कि भैया टाइगर ने ये दिया तो इसकी थ्योरी मैंने पढ़ी, ठीक है, ये दिया तो वो कई बार सोचते भी थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें सोच भी रखी थी कि यार मून जब अर्थ के अराउंड घूमता है तो मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है। आज तो हम लोग जानते हैं कि उसमें वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है इसके कारण तो नहीं गिरता है, लेकिन उस टाइम पर नहीं जानते थे न्यूटन भी उसे देने वाले हैं कि क्यों नहीं गिरता है। तो न्यूटन के बारे में न्यूटन के पास में ये सारे ख्याल पहले से थे, बस वो एप्पल एक वजह बन गया ग्रेविटेशन की सर्च करने के लिए, ठीक है, मतलब जब एप्पल गिरा तो उनकी सारी थ्योरीज उस तरफ क्या हो गई कॉन्सेंट्रेट हो गई, यार मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है तो ये एप्पल गिरा है तो क्या इससे रिलेशन तो नहीं है। लेकिन न्यूटन का भी मेहनत बहुत पुराना था, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एप्पल को देखकर ही सारी रिसर्च करी, ठीक है, वो सब बातें। सो हम लोग क्या देख रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी ऐसे दो बॉडी, ठीक है, कोई भी ऐसी दो बॉडी जिसके पास क्या हो मास,
ठीक है, ऐसी कोई दो बॉडीज जिसके पास में दो क्या हो, मास हो, जैसे आप आगे चलकर आपने अटेंडेंस पढ़ा रहेगा, वैसे ऐसी कोई दो बॉडीज जिसके पास में चार्ज होता है वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है, ठीक है, वैसे ऐसी कोई दो बॉडीज जिसके पास में क्या हो, मास हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब उनके बीच में फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मास, ठीक है, हम लोग अभी अर्थ की तरफ सारे के सारे लोग अट्रैक्टेड है, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारे और अर्थ के पास में मास है, ठीक है, हमारे और अर्थ के पास में क्या है, मास है, उस कारण से हमारे और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमारे और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके कारण हम लोग अर्थ से क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, मान लो अगर ये दो मेरे पास में मार्कर्स है, ठीक है, अब इन दोनों के पास में मास है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें, मतलब ऐसी कोई दो बॉडीज, ठीक है, जिसके पास में क्या होता है, मास होता है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, या फिर उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, अभी आप सोचोगे कि सर देखो जैसे ये दो बॉडीज है, अगर मैं इनको ऐसे नीचे छोड़ दूं, ठीक है, तो ये अर्थ के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगी, आपस में अट्रैक्ट नहीं होने वाली, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन भी मास ही है, क्यों भैया, अर्थ का मास ज्यादा है, इसीलिए अर्थ क्या लगाती है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है, अर्थ का मास क्या है, ज्यादा, इसलिए अर्थ क्या लगाती है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक, यहां पर दो पर्सन है, ये है, ये दोनों का मास होगा कुछ ना कुछ, एक का मास मैंने 10 kg मान लिया, दूसरे का मास मैंने 15 kg मान लिया, तो अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों के पास में मास है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये किससे अट्रैक्टेड है, अर्थ से अट्रैक्टेड है, तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है कि ये अर्थ से अट्रैक्टेड क्यों है, ये आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, तो उसका आंसर ये है कि भैया अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, 6 × 10⁻²⁴ kg ये अर्थ का मास, तो सीधी बात है जिसका मास ज्यादा होगा उसके तरफ बॉडी हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, ज्यादा है, इसलिए बॉडी किस तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये दोनों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज टू बी अगर अर्थ का मास मैं कितना कर दूं, 0 कर दूं, ठीक है, मैंने अर्थ का मास मान लो कितना कर दिया, 0 कर दिया, तो ये जो 10 केजी वाली बॉडी है ये किधर अट्रैक्ट हो जाएगी, हेवियर मास की तरफ, मतलब ये कहा जाएगी अभी 15 केजी वाले मास की तरफ, फिर ये दोनों जाकर किसी बिल्डिंग से चिपक जाएगी, ठीक है, बिल्डिंग किसी माउंटेन से जाकर अट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब बॉडीज एक दूसरे से क्या होगी, हेवियर मासेस की तरफ क्या होना शुरू हो जाएंगी, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ताकि हम लोग सब सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, वो किसको अट्रैक्टेड है, अर्थ को अट्रैक्टेड है, ठीक है, तो न्यूटन का कहना यही था कि अगर दो बॉडीज होती है जो क्या कंसिस्ट करती हो, मास कंसिस्ट करती हो, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, बस उनके अंदर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, जैसे चार्ज होने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वैसे ही मास होने पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, देखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों ही नाम से आप बात कर सकते हैं, देखो मैं दो बॉडीज दे देता हूं, दोनों सपोज टू बी सिमेट्रिकल बॉडीज है, सिमेट्रिकल बॉडी माने ऐसी बॉडी जो ओवरलैप है, ये बॉडी है जिसका नामकरण कुछ कर दो, ए नाम दे दो, इसका मास क्या है, m1 है, ठीक, और ये वाली एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, b, ठीक, इसका भी कुछ मास दे दो, m2 कह दो, ठीक है, So guys, ये दोनों बॉडी क्या कंसिस्ट कर रही है, अभी मास,
इसके पास भी, ए वाली बॉडी के पास भी मास है, एम वन बी वाली बॉडी के पास कितना मास है, एम टू। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करने वाली है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने वाली, मतलब ये इसके ऊपर, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने जाएगी, ठीक है, एम वन की तरफ अट्रैक्ट होगा एम टू की तरफ, और एम टू की तरफ अट्रैक्ट होगा एम वन की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता है, ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। देखो हमने दो बॉडी कंसीडर करी है, पहली बॉडी है ए है जिसका मास कितना है m1 है, दूसरी बॉडी बी है जिसका मास कितना है m2 है। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को यहां पर क्या करने वाली है, फोर्स लगाने वाली है, और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, ठीक है, मतलब ये वाली बॉडी इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ये वाली बॉडी इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या सीखा कि कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई होगा, ये बात तो ठीक है, न्यूटन ने बताया कि दो बॉडी जो कि क्या कंसिस्ट करती हो, मास कंसिस्ट करती हो, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहली बात अगर मैं करूं तो न्यूटन ने यहां पर कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। मतलब आप दोनों बॉडी के मास का अगर क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, दोनों बॉडी के मास का अगर आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह करी गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कल की क्लास में हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्यों फॉलो करता है, ठीक है, वो सीखेंगे हम। न्यूटन ने ये वाला स्टेटमेंट कहां से दिया, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज, मतलब ये दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो r है, ठीक है, ये a बॉडी और b बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। मैंने दो बातें यहां पर बोली कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात मैंने यहां पर ये बोली कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये दोनों बातों को अब हम लोग साथ में लिखते हैं, ठीक है, जब दोनों बातों को हम लोग साथ में लिखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, m1 m2 by r square, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, m1 m2 by r square। आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहां से मैं हटाऊंगा, ठीक है, ये दोनों बातों को साथ में लिखा मैं सब कुछ लिख, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मैं यहां से हटा दूंगा तो यहां लगेगा इक्वल्स टू और कांस्टेंट, इक्वल टू यूज किया और कांस्टेंट यूज करते हैं g, तो ये हो जाएगा g m1 m2 by r square। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी ये फार्मूला आपने कौन से फॉर्म में दिया है, स्केलर फॉर्म में दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक। यहां पर ये जो g यूज किया है एज ए कांस्टेंट, उस g को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, उस g को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। और जी जो है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जो जी है इसको हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा। आपको मैंने फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं जिनको नहीं समझ में आपके लिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और दोनों को साथ में लिखा तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट यहां पर यूज करते हैं जी, जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इन दोनों बॉडीज के बीच में यहां पर अप्लाई होगा, मतलब
ए बॉडी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बी पर लगाएगी, बी बॉडी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लगाएगी, ए पर लगाएगी। लेकिन दोनों के फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। ठीक है, दोनों के फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे। उस कारण से इस पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमने बात करा जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कैवेंडिश नाम के साथ केस में निकाला था, एक एक्सपेरिमेंट था कैवेंडिश बैलेंस करने का, कल की क्लास में आएगा आपको। ठीक है, जब मैं बता दूंगा जी की वैल्यू कहां से आती है, जी की वैल्यू उन्होंने बताई थी 6.67 × 10⁻¹¹। ठीक है, और जी का अगर आप यूनिट देखोगे तो पहले जी के लिए फॉर्मूला बना लो। ठीक है, जी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर बाय एम1 एम2। ये जी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा। यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। मास मास केजी केजी, तो केजी का यूनिट होगा केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो जी का यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.67 × 10⁻¹¹ और यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, और अगर इसी को आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, आपको आता है डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा है, इसे कन्वर्ट करना आता है। अब ये कौन से सिस्टम में दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में दिया है। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे इसे, तो जी का वैल्यू आएगा 6.67 × 10⁻¹⁸ न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम। This is the value in a CDS system. Okay? If we are going for a dimensions, तो हम dimensions भी निकाल लेते हैं जी के। जी के dimensions क्या हो जाएंगे भैया? Force क्या है? Force के dimensions रखो, देखो जी के formula से निकलेंगे। Force का dimension क्या होता है? M1, L1, P^-2। उसके बाद R का square है। R square है, तो वहाँ पर L square हो जाएगा। L square रख दिया हम लोगों ने, और नीचे mass का square हो जाएगा। ये हो जाएगा mass का square। अगर इसे सॉल्व करोगे तो g के डायमेंशंस आएंगे, क्या आएंगे g के डायमेंशंस, m की पावर -1, l क्यूब, t की पावर -2। दिस आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आई थी, कैवेंडिश बैलेंस करके एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, उससे g की वैल्यू प्रूव हुई। g इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है भाई, स्मॉल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और कैपिटल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यूज है और ये उसके डायमेंशंस है। अभी तो हम लोगों ने देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अभी हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में समझा, अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म समझेंगे। ठीक है ना, वो भी समझना जरूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इसके पहले जो देखा वो स्केलर फॉर्म में था, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो डायरेक्शन मैटर करेगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने देखो दो बॉडीज दे दी, ठीक है,
पहली वाली बॉडी जिसका मास m1 है, बॉडी को नाम ये दे देता हूं, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, बॉडी को नाम b दे देता हूं। भाई सेम कहानी, बस डायरेक्शन आप मैटर करेगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब ये वाली बॉडी किधर अट्रैक्ट होने जाएगी, इस तरफ, मतलब इसको कौन खींचे, सेकंड वाली बॉडी बराबर है ना भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये इसे खींचेगी इधर, तो फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस पर लग रहा है, पहली बॉडी पर, लगा कौन रही है दूसरी बॉडी, तो उस फोर्स को नाम करेंगे 1 2, 1 पर लग रहा है, 2 लगा रही है, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर होगा, ये सेकंड वाली बॉडी को कौन अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट वाली बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा f 21, 2 पर लग रहा है, बल लगा रहा है, f 21, ठीक। आप इधर से इधर तक के डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसे हम लोग मान सकते हैं r 12। आप कहां से, अगर 1 से लगा कर कहां डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, 2 तक, और 2 से अगर आप 1 तक के डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसे हम लोग मान लेंगे r 21, बस डायरेक्शन का फर्क, ठीक। अब अगर आपको f12 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी, f12 की वैल्यू वेक्टर फॉर्म कितनी होगी, ये तो वैसे ही रहेगा gm1 m2 / r square, ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, साथ में हमें डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, तो 12 की डायरेक्शन क्या है, r12, तो यहां पर साथ में हम लोग क्या लिख देंगे, 12 के ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, फोर्स वेक्टर फॉर्म के अंदर हो गया। ये फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया, सेकंड वाली बॉडी पे फर्स्ट वाली की तरफ लगाया आ जाए, ठीक है, उसे क्या किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और सेकंड वाली बॉडी ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, फर्स्ट वाली। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो भैया कितना होगा, F21 gm1 m2 / r square, तो वैसे ही रहेगा, साथ में हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, R21 क्या, किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो फोर्स सेकंड वाली बॉडी पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाली बॉडी लगा रहा है, ठीक है। अब याद करो कुछ वेक्टर, ठीक है, हमने वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आपको याद आए हल्का हल्का, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो a का यूनिट वेक्टर निकाल रहा है, तो a का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a, ठीक है, a का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ a अपॉन मोड ऑफ ए। सो अगर हम लोग ये वैल्यू यहां पर पुट करते तो f21 को वैसे ही रहने दो, ठीक है, तो gm1 m2 अपॉन में क्या है, r स्क्वायर है, ठीक, तो r12 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r12, ठीक है। अब मोड का मतलब तो क्या है, 1 को हटाई दो, मोड का मतलब तो मैग्नीट्यूड ही है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F12 gm1 m2 / r स्क्वायर, वैसे ही रहने दो, r12 को भी वैसे ही रहने दो, ये नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, तो ये बन जाएगा r³। कुछ लोग कई बार बुक में देख के कंफ्यूज होते हैं कि सर वेक्टर फॉर्म में r³ कैसे आ गया, ठीक है, जबकि होता तो r² तो भैया यहां से आता है, आप पीछे देखो यहां वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा, डायरेक्शन कैप नहीं, ठीक है, तो वैसे ही सेकंड वाले के लिए अगर करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, F21 सिमिलर है, ठीक है, gm1 m2 / नीचे क्या आएगा, r का क्यूब, और साथ ही में आप लिख सकते हैं r21 का वेक्टर, तो ये F21 और ये F21, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या न्यूटन का ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लोग यहां पर पढ़ेंगे,
क्या दे रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं। पहली बात, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature. Gravitational force हमेशा attractive होता है nature के अंदर, ठीक है, ये repulsive नहीं होता है, ठीक है। Gravitational force से हमेशा bodies एक दूसरे को क्या करती है, attract करती है। जिन दो bodies के पास मास हो उनके बीच में हमेशा gravitational force लगता है, और gravitational force जो होता है वो हमेशा attract करने का काम करता है, bodies को attract कराने का काम। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बाकी जो फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, उनके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है नेचर के अंदर, ठीक है, सबसे लास्ट में इसका नंबर आता है, ठीक है, ये वीक फोर्स है। बट एक बात तो, ग्रेविटेशनल फोर्स रेंज इज वेरी हाई। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, पूरा यूनिवर्स के अंदर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, ज्यादा, ठीक है। कंपेयर टू अदर फोर्सेस, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज चार्ज के बीच में लगता है, रेंज ज्यादा नहीं होती, न्यूक्लियर फोर्स और कम रेंज, मतलब रेंज बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात कर सकते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, आप चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे उस पाथ से जाओ, चाहे किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन क्या होगा, वही होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी वर्क करेगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहा जाता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स is not depend on entering media. Gravitational force media पर depend नहीं करता है, जितना air में लग रहा है उतना ही motor में भी लगेगा, मतलब media बीच में कोई भी हो, ये दो body के बीच में air डाल दो, मोटर डाल दो, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि वो भैया मीडिया पर डिपेंड करता है, मीडिया के साथ साथ चेंज होता है, डायलेक्ट्रिक मीडिया में अलग होता है, एयर में अलग होता है, मतलब कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साथ वो क्या होता है, चेंज होता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडिया के साथ साथ चेंज नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इंटरविंग मीडियम, ठीक। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। एक बहुत अच्छी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब जो सेंटर को टच कर रहे, सेंटर से जाने वाली लाइन है ये दोनों बॉडी, उसी लाइन पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो हमने कौन सी लाइन पर शो किया है, दो लाइन कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है, ठीक है, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को सेंटर से अट्रैक्ट करेगी, सेंटर से क्यों अट्रैक्ट करेगी वो भी सुन लो, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉइंट मास पर भी एक्ट होता है, मतलब अगर आप एक पूरी बॉडी ना लो और इस पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पर ले आओ, जैसे मैं पूरी बॉडी का मास, ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो आपको पता है कि सिमेट्रिकल बॉडी का मास हम लोग एक पॉइंट पर ला सकते हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m1 और ये पूरी बॉडी का मास अगर एक पॉइंट पर आएगा तो ये हो जाएगा m2, ठीक है, तो ये ऐसे एक्ट करेगा, सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उस एक्सिस पर एक्ट करता है जो दोनों बॉडीज के सेंटर से पास होती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को और क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो नोन एज व्हाट, सेंट्रल फोर्स, ठीक, इतनी बात हो गई, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में यार तो मैं बात कर रहा हूं, हायर मासेस का सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हायर मास, ये बात याद से याद रखना, सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि यार कभी पूछ सकते हैं कि पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो लगता है ठीक है ये पूरी बॉडी को हम लोग पॉइंट मास बना सकते हैं और उसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो ही, अगर बॉडी क्योंकि सेंटर ऑफ मास कब सेंटर पे आएगा, जब बॉडी कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, ठीक है, तो बॉडी सिमेट्रिकल है इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा और फिर सेंटर से क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ हायर मास, मतलब जिस बॉडी के पास में मास ज्यादा होता है, देखिए वो बॉडी हमेशा लोएस्ट मास की बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देखो मैं आपको एप्पल वाले एक्सपेरिमेंट से देता हूं, कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा, अभी जैसे मैंने कहा कि यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा यार जब एप्पल नीचे गिरा, सर बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी सेम लगा है, ठीक, मान लेते हैं, ठीक, तो अगर एप्पल नीचे गिरा तो आदमी तो ऊपर जा सकती है, ठीक है ना, एप्पल अगर नीचे गिरता है तो आदमी तो ऊपर जा सकती है, क्योंकि जितना फोर्स एप्पल ने अर्थ के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स, जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल पे लगाया उतना ही फोर्स एप्पल भी किस पर लगाया, अर्थ पर लगाया, बना लेते न्यूटन की याद में छोटा सा झाड़ बना लेते क्योंकि अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लग रहा है, एप्पल पर लग रहा है, और कौन लगा रही है, अर्थ, ये ऊपर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल पर लग रहा है और कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है, एप्पल का अर्थ बात, ठीक है, दूसरी बात, वैसे ही एप्पल भी आपको किधर खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय व्हाट, एप्पल, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, माइनस, इक्वल होंगे कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, तो आपका सोचना यहां से जायज है कि अगर एप्पल नीचे आ सकता है तो आप ऊपर क्यों नहीं, रीजन क्या है, क्या है इसके पीछे का रीजन, किसका रीजन है, तो भैया उसके पीछे का रीजन यही है मास, ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं मास बढ़िया, ठीक है, तो मास जो है एप्पल, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा और एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो मास कम होगा, बराबर है ना, तो एप्पल का मास कम है इसलिए एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो एक्सीलरेट करता है यहां से यहां तक, और उसके एक्सीलरेशन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, दोस एक्सीलरेशन विल बी नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि भैया आपने बॉडी के ऊपर क्या लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसके कारण बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे, तो इसका मास कम है तो एक्सीलरेशन क्या है, ज्यादा है, अर्थ का मास जो है वो क्या है, ज्यादा है, इसीलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है भाई, इसलिए ये चाहता है ये ऊपर नहीं, तो आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है।
ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म समझा, स्केलर फॉर्म हमने समझा। आपके कुछ डाउट्स है तो चेक बॉक्स ऑन है, आप लोग डाउट निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज भी पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग डाउट्स बताए चेक बॉक्स। हाँ तो भैया हम लोग देख लेते हैं अभी किसको क्या डाउट्स है, किसको क्या प्रॉब्लम्स है, जो बता सकता है। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर आगे फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है मतलब बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको काफी मजा आया और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, यस, तो इस नोटबुक के अंदर लिखना है सारी बातें। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर फिर हम लोग किसी को डाउट नहीं है तो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।